What's up? Welcome back to my channel, Real and True. Real and True. उधर से जहाँ मैं ऑफ रोड कर रहा था वहाँ से गांव होते हुए निकले आए मेन रोड पे, मेन रोड भी नहीं है, चिड़चिड़ी के लिए आगे यही रोड जाता है। यहाँ दिखा गुपचुप ठेला, गुपचुप देखते ही लालच आ जाती है तो खाना जरूरी है। है भाई टेस्ट तो है। आ जाओ, कोई फूड ब्लॉगर है तो आ जाओ इधर। क्या क्या है एड्रेस होगा इसका? मयाली 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 तो है, मयाली है ना, मयाली में मयाली मयाली नेचर कैंप के जस्ट बाजू में भैया का ठेला है। आओ फूड ब्लॉगिंग करो, पूछ लेना कहाँ से लाते हैं मसाला वसाला। ठीक है मैं गुपचुप खाता हूँ, गाड़ी पे मिलता हूँ। यार है देखो देखो रोड पे बैठ गए भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्योंकि ऐसे सेटिस्फेक्शन टाइप का शूट हो नहीं पा रहा है। नहीं पता क्यों गर्मी इतनी या फिर जगह पे कुछ मिल नहीं रहा है। अब ये भी पहाड़ी है बस, इसमें क्या शूट करूँ मैं, जितना हो सका तो उतना मैंने शूट किया ही किया। अब चिड़चिड़ी जाएंगे, वहाँ भी पानी हो या ना हो ऐसा फड्डा हो गया, देखते हैं। पर कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, वीडियो को इंजॉय कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है, देखते हैं अब जो होता है बाकी करेंगे अपने हिसाब से। तो अभी बहुत है अपने पास, बगीचा भी है, इतने जल्दी मूड ख़राब करना भी सही नहीं होगा। अभी बगीचा भी जाना है हमको, बगीचा में बहुत कुछ है ना छोटू मामा, बगीचा में है ना जगह, बगीचा में है जगह, जाएंगे जाएंगे। चिड़चिड़ी जा रहे हैं पर रास्ते में किसने बताया कि चिड़चिड़ी मत जाओ वहाँ पानी नहीं है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आज रात को रूम पे जाएंगे एंड जो वाटरफॉल्स हैं वो सब का पता करेंगे कॉल कर करके दोस्तों से एंड पहचानो से कि वहाँ पानी कहाँ कहाँ है। एक तो मैं यहाँ के रोड से परेशान हूँ, इतने बड़े बड़े पत्थर पीछे हुए रोड पे भाई, क्या मतलब। और ऊपर से एकदम चिप, बहुत सारे पत्थर नहीं ना एकदम सट के, नहीं ओ गैप गैप में पत्थर लगे हुए हैं। यह ओए बकरी देखो कितनी है, छोटी सी। यार अच्छा हाँ, यहाँ मेन जो हाईवे रोड है वो सब ख़राब है, गांव के अंदर अंदर के तो क्या रोड रहते नहीं है, वो मिट्टी का कच्चा रोड रहता है तो वैसे ही वो प्लेन हो जाता है गाड़ी चल चल के, तो ये सही है। और यहाँ काले काले हट है यार, तुम काले काले कैसे ये हट हाँ, मैट ब्लैक के घर है यहाँ, मैट ब्लैक कलर में। 2 किलोमीटर और ये देखो रोड बना है यहाँ पे और ये ख़राब है, मतलब जहाँ जहाँ रोड है वो रोड ख़राब है, बिना रोड वाला तो फिर जो मिट्टी वाला कच्चा रोड वो तो A1 है। और ये आ गया नहर, नहर में आ रहा है वाटरफॉल का पानी, पानी मतलब जल नीर, नहर के उल्टी दिशा में चलते हुए हम दो लोग, दौड़ती हुई बिग फैल्कन। गोबर, आजकल गोबर से बहुत बचा ले रहा हूँ गाड़ी को, आजकल गाड़ी गोबर नहीं खा रही है। मैप ख़त्म हो गया, किस साइड वाले में, उस साइड वाले में, अब कैसे डालूँ, पानी के अंदर से डाल दूँ भाई, सामने से गाड़ी आ जाता तो दिक्कत हो जाता ना यार। और ये तो बाप रे बाबा रे, मतलब कार वाले तो घूमने नहीं आते होंगे इधर। ये क्या भाई, ओह तो वहाँ पे तो रोड ख़त्म बहुत है, वहाँ से वो कैसे चढ़े तो कैसे जाए, इधर चढ़ा के निकाल दूँ उस साइड, अभी देखते हैं अभी। चलो भैया चढ़ जा, हाँ सही में बंद है क्या रोदे, इधर देख क्या हूँ आगे से, सही बोल रहे थे छोटू मामा, उधर ही से चलना था, मैं नेता बन के इधर आ गया, पर उधर भी तो रोड है नहीं यार, ये वाटरफॉल है किधर, बहुत गलत सीन हो रहा है हमारे साथ। अब लोग आ तो गए हैं पर वाटरफॉल का पानी किधर से आ रहा है, सब लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं, देख रहे हैं वाटरफॉल किस तरफ है वैसे, कन्फ्यूजन। तुम क्या गाड़ी को उधर ही, उधर उधर तो रोड है, वही तो समझ नहीं आ रहा यहाँ से पता चलना है कि वहाँ से चलना है,
और ये है किधर, वर्ल्ड मैप में नहीं दिखा रहा है? लो भाई मेरा मोबाइल दिखाओ। मोबाइल दे दिया था। कहाँ? मैं नहीं रखा हूँ, दे दिया था वहाँ पे, फोन पे किया हो। क्या देगा? देख रहा छोटू, हम ऐसे ही डराते हैं, एक तो ऐसी हालत खराब है। एक दूसरा देवा हो, इधर से आ रहा है आवाज़ में, बोल रहा हूँ इधर से तो आ ही रहा है। गाड़ी छोड़ के जाते हैं, लेकिन रिस्क देखना कहाँ है किधर है। अरे गाड़ी छोड़ के चल देंगे अंदर देखने, लेकिन यहाँ छोड़ना है कि वहाँ छोड़ना है? रोड तो दोनों तरफ घुसा हुआ है। अरे हाँ यार, इधर तो वाटरफॉल। तो गाइस वहाँ पे है वाटरफॉल, एंड ये रही हमारी बाइक। बैठो तो जहाँ तक किसी की गाड़ी नहीं गई होगी आज, जब वहाँ तक मेरी गाड़ी जाएगी। वॉटरफॉल दिख गया, अब हम उसका पीछा क्या उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ऑफ रोडिंग करते हुए हम फैल्कन को उड़ा रहे हैं। कहाँ गया? दिख रहा था जो इधर है। फिर यार फिर खत्म हो गया रास्ता। बहुत गंदा भटके बॉस, इतना गंदा कोई मत भटके नहीं। एक्चुअली हम लोग सही रोड पे आए, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान कोई कुछ नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा। अब जो जहाँ से वाटर फ्लो होते हुए आता है यहाँ पे, वहाँ से हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या सीन है आगे, अब वहीं चल के समझ में आएगा थोड़ा दूर। और दिक्कत ये है ना कि अभी 3:30 कुछ बज रहे हैं, 4 बार बजने वाले हैं, एंड अंधेरा हो गया, तो दिक्कत है इस गांव से भी निकलना है, क्योंकि गांव में रोड इतना ख़राब ऑफ रोड है, तो चलाते में अंधेरे में चलाने में दिक्कत होगा। इसलिए टारगेट ये यहाँ जल्दी जल्दी शूट करके निकल जाए। क्या लकड़ी लाता था बाबा? कौन सा लकड़ी है? लाल लकड़ी कांचा है। हाँ हाँ, कहती है ना झरना सामने, हाँ थोड़ा सा जो दादा मिले थे उन्होंने बताया, थोड़ा सा चलो बेटा, बस थोड़ा सा झरना मिलेगा। ऊपर से हम लोग के अंदर एनर्जी इसलिए नहीं बची है, लोगों से एक ही चीज़ सुनते आए ना, पानी नहीं है, क्या करने जाओगे, ऐसा लग रहा है कि वेस्ट हो गया ना। पर चाहे कुछ भी हो जाए, इतना पेट्रोल इतना खर्चा हुआ है, वेस्ट नहीं जाने देंगे। पहुँचा दो यार, वाटरफॉल पहुंचा दो, हे भगवान आपके होने का सबूत दो, हमें वाटरफॉल पहुंचा दो। हालत खराब इसलिए होती है ना कि उम्मीद नहीं दिखती कोई, इसलिए खराब लगता है। बहुत खतरनाक है ये जो जगह, चलना बहुत मुश्किल, देख के फाइनली पहुंच गए चिरचिरी वॉटरफॉल। तो भैया हालत तो खराब हो ही गई है, पर फाइनली हम लोग पहुंच गए वॉटरफॉल के ठीक सामने। लोग कह रहे थे पानी नहीं है, हाँ नहीं है, पर ये इतना भी बुरा नहीं जितना बुरा लोग बोल रहे थे। सही है, आए हैं तो एकदम सूखा होता तो बुरी बात थी, हम कुछ देख नहीं पाते, पर अच्छा है यार, सही है ना। अभी अच्छे से दिखाता हूँ, 3, 3, 2, 1।